पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने प्रतीक और WDG4 12001 कैसे बनाए थे। हालांकि वो वीडियो हमारे पहले 12 वीडियो जितना डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो नहीं था, क्योंकि वो वीडियो वही पार्ट यूज़ कर रहा था जो कि हमने पहले बनाए थे। ये वीडियो हमारे WDG4 और वेरिएंट के सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, और मैं आपको रिक्वेस्ट और रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है एंड में। ये वीडियो पूरी तरह से रेंडरिंग पे बेस है। हम इसमें देखेंगे कि जो हम रियल लाइफ में देखते हैं वैसे इमेज हमारे मॉडल से कैसे पाए जाए। तो ये है हमारा प्रतीक जिस पे हम रेंडरिंग करने वाले हैं। तो हमें रेंडरिंग क्यों चाहिए? आप यहाँ पे देख सकेंगे कि कुछ लाइंस यहाँ पे आपको मॉडल पे दिख रही है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी लाइंस रियल लोकोमोटिव पे देखी है? ऑब्वियसली नहीं। तो रेंडरिंग चालू करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो व्यू एडिंग एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि आप ये सेटिंग आइकॉन दबा के आगे जाएंगे, रेंडर टूल्स का टैब एक्टिवेट कीजिए, अब जब आप प्रीव्यू विंडो का बटन दबाएंगे आपको एक विंडो पॉपअप होगा जिसमें आपको दिखेगा कि आपका मॉडल रेंडर होने पे कैसा दिखेगा। आप बैकग्राउंड में आपका मॉडल एडजस्ट कर सकते हैं ये विंडो को चालू रखते हुए। ऑप्शन मेन्यू में आप जो आउटपुट इमेज है उसके डायमेंशन, उसकी क्वालिटी और उसका टाइप एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के टाइम रेंडरिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ पे सेटिंग के साथ खेल भी सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी सेटिंग चेंज करने पे क्या चेंजेस आते हैं। एक बार आपको प्रीव्यू पसंद आए तो आप फाइनल रेंडर का बटन दबा दीजिए। अभी आपके सेटिंग पे और आपके कंप्यूटर के एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि रेंडरिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाए सेव इमेज का बटन दबा दीजिए, जिससे ये इमेज फाइल सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये लोगो एकदम रियल की तरह दिख रहा है, फिर भी इसका जो शाइनीनेस है वो बहुत ज़्यादा है। शाइनीनेस का जो पार्ट है वो EMU मॉडल के रेंडरिंग के वक्त कवर करेंगे। तो ये है मेरी इमेज फाइल सेव की हुई। बैकग्राउंड डिफॉल्ट है और कैमरा भी डिफॉल्ट है और लाइट्स भी डिफॉल्ट है। कैमरा का पार्ट हम वैप 7 के रेंडरिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ राव। इन सब वीडियोस के पीछे जो आवाज थी उस आवाज का चेहरा। तो फाइनली हमने WDG4 लोकोमोटिव के रिलेटेड सब वीडियोस कंप्लीट कर दिए। जो टाइटल है वो रीड करता है S01E14, इसका मतलब है कि ये सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। और हाँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था वैसे हमारी दूसरी सीरीज होगी वैप 7 के मॉडलिंग, असेंबली, सिमुलेशन और रेंडरिंग। लेकिन वो सीरीज चालू करने से पहले मैं छोटा सा गैप लेना चाहूंगा। गैप उन वीडियोस के लिए जो मैंने इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए पेंडिंग रखे थे, वीडियोस जैसे कि अनबॉक्सिंग हो, रिव्यू हो और वैसे ही सब रिलेटेड। और हाँ, अगर मैं MSTS में इन मॉडल्स को इंपोर्ट करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं उसके भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। मेरे पास जो कोई भी क्वेरी, जो कोई भी क्वेश्चन आते हैं मैं हमेशा उनको रिप्लाई देता हूँ। तो बिना हो रहा है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ आपका कहीं पे आप अटक रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए आगे आने वाले